बच्चों क्या हालचाल, मस्त एकदम। तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 23 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप स्टार्ट करने से पहले अच्छा होगा कि आप माइक्रोस्कोप का लेक्चर देखकर यहां आओ। अगर माइक्रोस्कोप का लेक्चर देख रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा है तो यूट्यूब पर टाइप करो रे ऑप्टिक्स 22 माइक्रोस्कोप फिजिक्स वाला, या यूट्यूब पर सर्च कर लो माइक्रोस्कोप फिजिक्स वाला। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप के लेक्चर में हमने ऐसी कई चीजें पढ़ाई थी जो हम टेलीस्कोप में इस्तेमाल करेंगे, जैसे विजुअल एंगल का कंसेप्ट, मैग्नीफाइंग पावर का कंसेप्ट, मैग्नीफाइंग पावर कब मैक्सिमम होती है, रिलैक्स्ड आई के लिए मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हमने माइक्रोस्कोप के लेक्चर में डिस्कस कर रखी है, तो उसे देखकर यहां पे आओ या कोचिंग में किताब से कहीं से माइक्रोस्कोप पढ़कर इस लेक्चर को स्टार्ट करना, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं ये खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, क्या होता है? टेलीस्कोप एक यंत्र होता है जिससे दूर दराज के ऑब्जेक्ट, जैसे चंदा मामा है ना, जैसे जुपिटर चाचा जैसे वीनस मामी, जो प्लैनेट्स हैं, मून हैं, दूर दराज के ऑब्जेक्ट, इनको हम उठाकर अपनी आंख के पास ले आते हैं और फिर उसको हम आसानी से देख सकते हैं। टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच ब्रिंग्स फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू आर आईज, दूर दराज के ऑब्जेक्ट को उठाकर हमारी आंख के पास ले आता है, ठीक है। तो इस बात को जरा लिख लेते हैं, इट हेल्प्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से? लाइक मून, ठीक है, प्लैनेट्स, स्टार्स एक्सेट्रा। स्टार के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप चाहिए होगा, एक्सेट्रा, क्लियरली। देखो माइक्रोस्कोप से इसका फंक्शन काफी अलग है। माइक्रोस्कोप का काम क्या था? किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देना, छोटा सा ऑब्जेक्ट हमारे आसपास ही है कहीं, उसको मैग्नीफाई कर देना कि वो दिखाई पड़े, इसका ये काम नहीं है। इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी बड़ा है, पर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, चंदा मामा बहुत दूर है, यहां से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि बहुत दूर है। तो उसकी एक इमेज उठाकर हमारे आंख के पास बना देता है जिससे हमें वो क्लियरली दिखाई पड़ता है। क्लियर है? टेलीस्कोप किसी ऑब्जेक्ट की साइज नहीं बढ़ाता, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेई मेन 2016 का सवाल है ये। टेलीस्कोप किसी ऑब्जेक्ट की साइज नहीं बढ़ाता, उसको हमारी आंख के पास लाता है, और माइक्रोस्कोप साइज बढ़ाता है, याद रखना ये चीज, ठीक। अब टेलीस्कोप भी जो है वो दो प्रकार के हैं, एक है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हम दोनों पढ़ेंगे आज, सिलेबस में ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इसी की डेरिवेशन है, फॉर्मूला है, और रिफ्लेक्टिंग का सिर्फ रे डायग्राम पढ़ना है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इनके बीच का डिफरेंस भी पढ़ना है और देखना है कौन सा बेटर है, एक रिफ्रैक्टिंग एक रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। ज्यादा सिलेबस में सवाल यहाँ रिफ्रैक्टिंग से ही आएंगे आपके, डेरिवेशन वगैरह फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। अच्छा, तो टेलीस्कोप काम कैसे करता है, थोड़ा सा विजुअल एंगल वाले कंसेप्ट पे समझते हैं। तो विजुअल एंगल आपको याद है, तभी हम कह रहे थे प्रीवियस लेक्चर देख के आओ, चलो जल्दी समझाने की कोशिश करते हैं। विजुअल एंगल, कोई भी चीज हमारे आंख पे ये हमारी आई बॉल, ये आंख पे जो एंगल सबटेंड करती है, ये एंगल थीटा, इस एंगल को हम बोलते हैं विजुअल एंगल। कोई भी चीज हमारे आंख पे जो एंगल सबटेंड करती है उसको बोलते हैं विजुअल एंगल। ये हमारे आंख का पीछे का पार्ट स्क्रीन है, हमारी आंख की है स्क्रीन है, इसको आप रेटिना बोल सकते हो, हमारे आंख की स्क्रीन है। बच्चों जितना बड़ा ये एंगल होगा ना उतना बड़ा ऑब्जेक्ट दिखता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। हमारी आंख पे जितना बड़ा विजुअल एंगल बनेगा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा दिखेगा। देखो ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये रे आगे ले गए, ये बन गई ऑब्जेक्ट की इमेज, ये एंगल थीटा हो जाएगा, बोलो क्लियर है। अब सोचो यही एंगल थीटा बड़ा होता तो इमेज बड़ी बनती कि नहीं? ये एंगल थीटा बड़ा होता यहां होता तो इमेज बड़ी बनती, थीटा और बड़ा होता इमेज और बड़ी। सोचो ना थीटा बड़ा हो, ऐसे हो, थीटा बड़ा हो तो इमेज बड़ी बनेगी, समझ गए?
तो आंख के स्क्रीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी ही बड़ी बनती है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल हो, यानी सारा खेल विजुअल एंगल का है। जो भी चीज हमारी आंख पे बड़ा विजुअल एंगल बनाएगी वो हमें बड़ी दिखाई पड़ेगी, और जो छोटा विजुअल एंगल बनाएगी वो छोटी। ध्यान से सोचोगे यही विजुअल एंगल बड़ा होता, मान लो यही एंगल ये हो, ये देखो विजुअल एंगल बड़ा हो गया ये वाला, ये वाला, तो इसकी इमेज भी देखो कैसी हो गई बड़ी। तो जो भी चीज जितना बड़ा विजुअल एंगल सब्टेंड करेगी वो उतनी बड़ी हमारी आंखों को दिखाई पड़ेगी, पहली बात तो ये, ठीक है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा माइक्रोस्कोप में, हमने कोशिश किया जल्दी से आपको फिर से समझा दें विजुअल एंगल का कांसेप्ट। कोई भी चीज हमारी आंख पे जो एंगल सब्टेंड करती है उसको हम बोलते हैं विजुअल एंगल थीटा, और जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी हमारी आंख की स्क्रीन पर रेटिना पर उतनी बड़ी इमेज होगी, ठीक। अब देखो टेलीस्कोप क्या करता है, जो चांद सूरज है या चांद और जुपिटर है वीनस है ये बड़े हैं, छोटे नहीं है, ये बड़े ऑब्जेक्ट है पर बहुत दूर है, बहुत दूर होने के कारण से विजुअल एंगल बहुत छोटा बनाते हैं। चलो यहाँ पे हम दिखाते हैं चीज, मान लो ये अपना कोई चांद सूरज कुछ है ऐसे हमने दिखा दिया, ठीक है, चांद है जुपिटर है जो भी, ये हमारी आंख से बहुत दूर है, यहाँ मान लो हमारी आंख है बहुत दूर है, तो ये जो विजुअल एंगल बना रहे हैं यहाँ पे ये बहुत छोटा बन रहा है कि नहीं। दिस विजुअल एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, मान लेते हैं इस विजुअल एंगल को हम अल्फा बोल दें, तो ये कैसा दिखेगा, हमें बड़ा दिखेगा छोटा दिखेगा, छोटा दिखेगा। देखो जितना बड़ा विजुअल एंगल उतनी बड़ी इधर जाके इमेज बन रही है स्क्रीन पे। अब सोचिए ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है यहाँ है कहीं, यहाँ से जो विजुअल एंगल बनेगा छोटा बनेगा कि नहीं, ये यहाँ से लाइन जोड़ो ये इमेज बनी छोटी, तो वही चीज वहां पे विजुअल एंगल ही छोटा बन रहा है, उधर इमेज जाके भी छोटी सी बनेगी। बात समझ में आ रही है, इसीलिए हमें ये सब ऑब्जेक्ट छोटे दिख रहे हैं, सबको पता है, सब पहले ही पढ़ चुके हैं क्योंकि ये दूर है हमसे इसलिए छोटे दिखते हैं। आज उसी का रीजन बता रहे हैं कि दूर होने पे दिक्कत क्या हुई, दूर होने पे दिक्कत ये हुई कि विजुअल एंगल बहुत छोटा बना रहे थे जिसकी वजह से रेटिना पे इनकी इमेज बहुत छोटी बन रही थी। इसको ध्यान समझ लो तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला का समझ में आ जाएगा आपको, ये ठीक है। स्केल वगैरह से बनाओगे और अच्छा डायग्राम बनेगा। इस एंगल को मैंने अल्फा बोला विच इज वेरी वेरी स्मॉल। अब सोचो टेलीस्कोप क्या करे, इसकी साइज नहीं बढ़ाएगा, टेलीस्कोप क्या करे, इसी को लाके आंख के पास रख दे। ध्यान से आंख वही है, टेलीस्कोप ने क्या कहा किया, कुछ लेंस वेंस का कुछ जुगाड़ खेल, मिरर का कुछ खेल हुआ और इसकी एक इमेज बनाई जो कि आपकी आंख के एकदम पास है, इसकी एक इमेज बना दी विच इज वेरी वेरी क्लोज टू योर आई, विच इज वेरी वेरी क्लोज टू योर आई। अब भैया जो एंगल बनेगा वो बड़ा हो जाएगा। अब सोचो एंगल बड़ा हुआ तो उसकी इमेज भी बड़ी हो जाएगी, इस एंगल को हम बोलते हैं बीटा। बोलो क्लियर हुआ, तो ये है टेलीस्कोप का कंसेप्ट। क्या टेलीस्कोप किसी ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ाता है? ना 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 ना, टेलीस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को हमारी आंख के पास ले आता है। जेई मेन 2016 का सवाल था, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 100, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 100। इसका मतलब क्या है, वो किसी ऑब्जेक्ट को 100 गुना बढ़ा देगा साइज में, या किसी ऑब्जेक्ट को 100 गुना पास ला देगा, किसी ऑब्जेक्ट को 100 गुना पास ला देगा। याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माइक्रोस्कोप साइज बढ़ाता है, टेलीस्कोप डिस्टेंस घटाता है। ये दूर का ऑब्जेक्ट ऐसे देख रहे हैं, ये विजुअल एंगल ही छोटा बन रहा है, चांद को देखते हैं कितना दूर है तो छोटू सा दिखाई पड़ रहा है, उसी को लाके आपके पास यहां रख दो ऐसे देखोगे दिखाई नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। अब यही बोर्ड में यहां से देखो तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, और यही बोर्ड में दूर आके आराम से देखो तो पूरा ऐसे देखने लगेगा, है ना। पास से दिखने में कोई भी चीज बड़ी हो जाती है, तो उसी को पास ले आएंगे तो बड़ा बड़ा साफ साफ दिखाई पड़ेगा। आ गया कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। तो इतना नोट करो, पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, यही हमें डिटेल में पढ़ना है, फिर इसमें कुछ खराबियां हैं, फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। नोट कर लिया, कंसेप्ट समझ में आ गया, विजुअल एंगल बढ़ाता है ये भी काम, देखो माइक्रोस्कोप भी विजुअल एंगल बढ़ाता है ये भी, ठीक। चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, वरना रटवाने को तो हम रटवा ही सकते थे। तो शुरू करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से कहानी को, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो सबसे पहले बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले की, मैग्नीफाइंग पावर
पार ऑफ टेलीस्कोप, थोड़ा सा डिफरेंट है माइक्रोस्कोप से, थोड़ा सा इतू सा, कैपिटल एम ले लेंगे इसका हम सिंबल। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू, बोलो सब लोग साथ में, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी नहीं लिखना है यहां पे, माइक्रोस्कोप में लिखते थे ना ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, डी मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। यहां कैसे ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर रखोगे, चांद को उठा के लाएंगे 25 सेंटीमीटर में? नहीं सर, मेरी तो गर्लफ्रेंड चांद जैसी है, उसको मैं 25 सेंटीमीटर में रख के देख लूंगा। छी, कितना गंदा लगेगा, 25 सेंटीमीटर यहां पे खड़ी रहेगी गर्लफ्रेंड भी। अरे सर ये तो सीन क्रिएट हो गया। अरे आजा वापस, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डी पे नहीं, ये मत लिख देना माइक्रोस्कोप की तरह कैप्ट एट डी, ये पॉसिबल नहीं है। वीनस को लाके हम यहां 25 सेंटीमीटर पे नहीं रख सकते, ठीक है, इतना भयानक ग्रेविटेशन पुल होगा। छोड़ो, अच्छा ये सब फालतू बात है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा बटे अल्फा, बीटा बटे अल्फा, और बीटा और अल्फा भी हमने आपको दिखा दिया था। अल्फा था एंगल बिना टेलीस्कोप का, बिना टेलीस्कोप ऐसे चांद को देख रहे हैं, बहुत दूर है, एंगल बन रहा है छोटा सा, ऐसे देखो। अरे यार चांद हम रात में देखना चाहते हैं, ऐसे देख लेते हैं आसानी से, क्यों? क्योंकि दूर है। अब सोचो वही चांद यहाँ पे हो, कैसे देखोगे? ऐसे करके ऐसे। अरे होता है कि नहीं, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके एकदम पास जाके देखने की कोशिश करो, ऐसे करके देखना पड़ता है कि नहीं, विजुअल एंगल बढ़ जाता है कि नहीं, बड़ी दिखाई पड़ती है कि नहीं। और उसी बिल्डिंग को बहुत दूर से अपने घर की छत से देखो, अरे ये तो छोटी सी है, क्यों? क्योंकि विजुअल एंगल छोटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूर से देखा तो ये छोटी सी बिल्डिंग क्योंकि विजुअल एंगल छोटा, पास जाके देखा तो ऐसे देख रहे क्योंकि विजुअल एंगल बढ़ गया। तो यही काम है, अल्फा एंगल है, दूर से ऐसे देख लिया, अच्छा ठीक है छोटा सा ही तो है चांद, ये इतना सा चांद कितना बड़ा है, इतना सा है कि नहीं, है ना? फोटो भी खिंचवा लिया, सेल्फी ले ली में और पास आया तो देखा इतना बड़ा क्योंकि विजुअल एंगल बढ़ गया। ठीक है, समझ में आ गया। दिस फॉर्मूला इज वैलिड बोथ फॉर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग में कोई डेरिवेशन हमें करनी नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी नहीं होगा। आओ इसका रे डायग्राम कंस्ट्रक्शन ये सब चीजें देखते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं बनाने की। आप पेंसिल, रबर, स्केल, कटर, पेंसिल बॉक्स, ये सब तो है ही नहीं सर, तो जिससे भी लाइन खींचते हो वो चीज निकाल लो, कोशिश करना थोड़ा सुंदर डायग्राम बनाने की। लेट अस ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप As you all know, I have learned English from Oxford University. Refracting telescope. तो इसमें दो lenses होते हैं जैसे microscope में होते थे। Microscope में एक होता था objective छोटू, एक होता था eyepiece बड़ू। इसमें उल्टा, इसमें उल्टी कहानी। इसमें objective होता है बड़ू, और इसमें eyepiece होता है छोटू। थोड़ा बड़ा कर लेते, बहुत छोटा भी नहीं। ये आईपीस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव। कहानी उल्टी है इसमें माइक्रोस्कोप के। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। कैसा है ये? लार्ज फोकल लेंथ का एंड लार्ज अपर्चर का। अपर्चर समझते हो? अपढ़ना नहीं बोल रहे हैं, हमेशा लड़कियों के नाम तुम लोग के दिमाग में। अपर्चर, अपर्चर मतलब इसका साइज बड़ा, ठीक है। और ये है आईपीस, आईपीस समझते हो, जो आंख के पास होता है, आईपीस लेंस। इट इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, एकदम माइक्रोस्कोप का उल्टा कहानी है। उसमें ऑब्जेक्टिव छोटा था, इसमें आईपीस। अच्छा, अब यहां पे हम ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आंख से कितने डिस्टेंस पे है, यू डिस्टेंस पे है। सोचते हो कभी ऑब्जेक्ट कैसे रख सकते हो यू डिस्टेंस पे? अरे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, चेक कर रहा था मैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट। चंदा मामा कहाँ है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। वीनस चाचा कहाँ है? बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे है। इनफिनिटी से कैसी रे आती हैं? पैरेलल रेज आती हैं। इनफिनिटी से कैसी रे? अच्छा एक बात ये होती है कि ऑब्जेक्ट इसमें बड़ा क्यों लिया, व्हाई इज इट ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, व्हाई इट इज ऑफ लार्ज अपर्चर, ये बात हम बता सकते हैं। आप लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज
अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ सो दैट इट कैन कलेक्ट मोर लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. देखो यार थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है क्या कि ऑब्जेक्ट यार बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, है ना. अब चांद से रेज आ रही है, अब खूब ढेर सारी रेज कलेक्ट हो जाएंगी तभी तो चांद की इमेज जो बनेगी वो ब्राइट बनेगी, वरना धुंधली सी इमेज बनेगी. चांद से जो रेज आ रही है अगर आप उसमें से दो तीन रेज ही कलेक्ट कर पाए, इतना छोटा सा लेंस ले लो उसमें, भाई इतने छोटे से लेंस में कितनी रेज गई, मान लो 1000 रेज गई, तो 1000 रेज से एक ब्राइट मतलब एक डिम सी इमेज बन के आई. तो आपने बड़ा सा लेंस लिया, तो एक करोड़ गई तो जो इमेज बनी वो भी बढ़िया इंटेंसिटी की बनी. जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज होती है वो नंबर ऑफ रेज पे डिपेंड करती है. इंटेंसिटी ऑफ इमेज नंबर ऑफ फोटॉन्स, अरे क्या बोल दिया, फोटॉन पे नहीं आते, नंबर ऑफ रेस पे डिपेंड करती है. ठीक है, जितनी ज्यादा रे कलेक्ट करोगे उतनी बढ़िया चमकीली एकदम चमकदार सुंदर सी इमेज बनेगी. ठीक है, तो इसीलिए इसका हम साइज बढ़ा लेते हैं. ठीक है भाई, यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर है. अब रेस कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है. इन्फिनिटी से कैसी रे आती है, पैरेलल आती है. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी हो सकती है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं भी हो सकती है. बट इन्फिनिटी से रेस कैसी आती है, पैरेलल. तो हम यहां पे ये मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, हम ये अज्यूम करके चलेंगे दैट द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. ठीक है, हम पेड़ वेड़ देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, किया जाता है पर हम नहीं, ना हम बिल्डिंग देखने के लिए, ना हम दुश्मन के उसमें खेमे में हमला करना, हम उसके लिए हम सिर्फ चांद तारे देखने के लिए इस्तेमाल करेंगे. यानी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होगा, मान लीजिए इंफिनिटी से कैसी रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी. ठीक है, तो हम इंफिनिटी से पैरेलल रेज लाते हैं. अच्छा, इंफिनिटी से जो पैरेलल रेज आती है वो कहाँ पे मिलती है, फोकल प्लेन में मिलती है. ठीक है, तो मान लो ये ऑब्जेक्टिव है, इसका फोकस कहीं यहाँ है, मान लो फोकस एफ है. ठीक है, तो इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो कहाँ मिलेगी, फोकल प्लेन में. ठीक है, तो इन्फिनिटी से रेज लाते हैं. थोड़ा सा मैं पहले से मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, ये एक रे लेके आया मैं ऑप्टिकल सेंटर से, पासिस कैसी पास करती है ऑप्टिकल सेंटर, फिर से बनाऊंगा मेरे ऊपर सुंदर डायग्राम बनाएगा मैं. हाँ, गंदा हो गया, एक मिनट. हाँ, चीची. मैं वहां मुझे इमेज बनानी है. ठीक, एक रे मैं इंफिनिटी से लेके आया, कैसी एकदम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया अनडेविएटेड. और बच्चों एक ले आते हैं इसी के पैरेलल आनी पड़ेगी, पैरेलल रेज आती, ये पैरेलल रेज आ गई. पैरेलल रेज कहाँ से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है. ठीक है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रहा होगा, ऐसे बनाया जाता है. ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसको बोल दो ए बी, ये चांद है. ठीक है, चांद के सबको ये बोला, पैर को भी बोला, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है. अब ये रे पैरेलल आई है, पैरेलल रेज कहां पे मिलती है, फोकल प्लेन. देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो फोकस पे मिलती, और सिर्फ आपस में पैरेलल है तो फोकल प्लेन में मिलेंगी ही मिलेंगी. तो ये रे ले जाके यहां मिला दो, ये बन गई इसकी इमेज. ठीक है ना, एफ ओ ऊपर लिख लेते हैं, एफ ओ, ये बन गई इसकी इमेज. तो ये मैंने बनाया. ठीक है, इसको बोल देंगे ए डैश, इसको बोल देंगे बी डैश. तो एक रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज बनी है, जरा ध्यान दो, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज बनी है. बड़ा नहीं किया इसने इमेज को, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनाओगे कैसे, चांद से बड़ी उसकी इमेज थोड़ी ना बना दोगे. तो एक डिमिनिश्ड इमेज बनाते हैं, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है कैसी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड. अब दूसरे लेंस का रोल आया, यहां से आईपीस लेंस का रोल आया. अब आईपीस की फोकल लेंथ कैसी है, स्मॉल है. आईपीस को खिसका लेते हैं थोड़ा डायग्राम बनाने के लिए, आईपीस को थोड़ा खिसका लेते हैं, आईपीस हम यहां बना लेते हैं. ठीक है, ये ठीक है, आईपीस लेंस कैसा है, स्मॉल फोकल लेंथ का. अब आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो छोटी है भाई. ठीक है, अच्छा छोटी होने से क्या होगा, छोटी होने से ये होगा कि ये जो भी इमेज बनी है पहले वाली की जो भी इमेज बनी है वो आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आएगी. अरे भाई आईपीस का फोकस छोटा है, ठीक है इसके कंपैरिजन में. ठीक है, बट फिर भी क्या हुआ कि ये जो इमेज बन रही है कहां आएगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आएगी. ऐसा हम एडजस्ट कर सकते हैं. एडजस्ट कैसे करोगे, दोनों लेंस एक पाइप में लगे होते, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया कि स्मॉल इसलिए होती, स्मॉल इसलिए नहीं होती, इसके कंपैरिजन में स्मॉल होती है. ला 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 ला
ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ये हो जाती है करीब 100 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ नॉर्मल होती है 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है, बात समझो, इसमें आईपीस छोटा नहीं होता है। ये बात हम कोचिंग में भी हर साल बताते हैं। देखो माइक्रोस्कोप में डेलिबरेटली, ऑब्जेक्टिव बहुत छोटा बनाया था और आईपीस बहुत बड़ा, यहां ऐसा डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। देखो यहां क्या हुआ, इसको सिर्फ ज्यादा किया, ये छोटा नहीं है, इसके कंपैरिजन में छोटा है। नहीं समझे, वहां पे ऑब्जेक्टिव सच में छोटा था, यहां पे ये सिर्फ इसके कंपैरिजन में छोटा है, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ ही बना दिया है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज क्यों बनाया, क्योंकि रेस कलेक्ट करनी है, और कोई एम नहीं है, और कोई एम नहीं है इसके बड़ा बनाने का। ये बहुत बड़ी एक दुविधा है, बहुत बड़ा कष्ट है जीवन में हमारे, टेलीस्कोप बनाने का सबसे बड़ा कष्ट है इतना बड़ा लेंस बनाना। ठीक है, इंडिया वालों की हालत खराब हो जाती है ऐसा लेंस बनाने में, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्टी, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसको बड़ा बनाते हैं सिर्फ ज्यादा रेस कलेक्ट करने के लिए, और ये छोटा नहीं है, इसके कंपैरिजन में छोटा है। तो मैं यही बता रहा था कि इसकी फोकल लेंथ फिर भी इतनी है कि इसका फोकस यहां पड़ता है, यही समझा रहा था। इसकी फोकल लेंथ छोटी है, पर इतनी छोटी भी नहीं है, इतनी है कि यहां पड़ती है। इससे क्या होगा कि पहले की जो इमेज बनी है, समझ में आ रहा, कंफ्यूज तो नहीं हुआ, फिर से मैं स्टार्टिंग से बात बोलता हूं। एक ऑब्जेक्टिव, एक आईपीस, ऑब्जेक्टिव साइज में बड़ा, आईपीस साइज में छोटा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। वैसे कोई छोटा नहीं है, इसकी फोकल लेंथ भी 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। और हम माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जेक्टिव छोटा लेते थे, सच में छोटा होता था, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सच में छोटा होता था। यहां आईपीस छोटा नहीं, आईपीस 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है, वहां पे ऑब्जेक्टिव जो छोटा लेते थे वाकई छोटा होता था। अब समझ में आई बात। अच्छा, तो यहां से रेज आई कहां, फोकल प्लेन पे, एक रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज बनी है। अब आईपीस क्या करेगा ना, इसको थोड़ा बड़ा करेगा, बहुत छोटी इमेज बन गई साहब, दिखाई नहीं पड़ रही है। आपने चांद को लिया, चांद की, चांद से रेस बढ़ी, आपको ढेर सारी रेस कलेक्ट किया ऐसे गुच्छे में, और इमेज छोटी सी बना दी, फायदा क्या होगा। हमने कहा हम एक लेंस और लगाएंगे आईपीस, और इसका काम होगा सिंपल माइक्रोस्कोप वाला। इसलिए मैं कह रहा हूं माइक्रोस्कोप पढ़ गया, कॉन्सेप्ट सही रखो। इसका काम है सिंपल माइक्रोस्कोप वाला कि इसकी इमेज को चलो बढ़ा देते हैं। कैसे, अब ये जो इमेज बनती है पहले की, वो दूसरे के लिए क्या बन जाती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा, द इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट लेंस विल बिकम ऑब्जेक्ट बोल दो या वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल दो सेकंड लेंस के लिए। और ये कहां फॉल कर रहा है, बिटवीन ओ एंड एफ, कॉन्वेक्स लेंस में बिटवीन ओ एंड एफ, माइक्रोस्कोप का केस, स्पेशल केस, वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड इमेज। तो वही होगा, एक रे यहां से जाएगी पैरेलल और एक पास कर देगी ऑप्टिकल सेंटर से, और फाइनली इसकी इमेज कहीं यहां बन जाएगी। अरे याद है, ये तो पढ़ा है तुमने कई बार, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है एंड हियर इज द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, तो क्या होता था, एक ऑप्टिकल सेंटर से फिर एक फोकस से पास कराते थे, ये इमेज बनती थी वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन एफ एंड ओ। तो पहले वाले की जो इमेज होती है, कितना ज्यादा मैं बता रहा हूं, अब मैं बनाऊं क्या, बोर हो गए। पहले वाले की जो इमेज होती है वो दूसरे लेंस के लिए क्या होती है, ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट इज लाइन बिटवीन एफ एंड ओ। तो ये केस तो आपने यहां देखा, माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। तो इसकी इमेज इसी साइड कहीं बन गई, मान लो यहां बन गई है, ठीक है, पहले से इमेज बना लो। यहां बना लो ए डबल डैश, बी डबल डैश। अब क्या करो, इसको ले जाके ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो एक रे, और एक रे यहां से पास करा दो, ये फोकस ऑफ आईपीस। बोलो सही है, यहां से दो रेज गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास की, एक कहां से पास की, एक पैरेलल ले गया प्रिंसिपल एक्सिस के, किससे पास करेंगे, फोकस से। दोनों रेस कैसी हैं नेचर में, डाइवर्जिंग है, देखो यहां पे जैसे डाइवर्जिंग है, एक ऑप्टिकल सेंटर से, एक पैरेलल ले गया फिर फोकस से पास करा इधर साइड, डाइवर्जिंग, पीछे मिली कहां पे, कहीं पीछे मिली, कैसी इमेज बन गई, वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड। तो दूसरे वाले लेंस का काम है क्या, अगर ध्यान से देखो तो यहां पे भी आईपीएस लेंस कैसे बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक सिंपल, कहीं और लिखने की बात, यहां आईपीएस लेंस यहां पे भी काम कर रहा है जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। मैंने कहा था सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छे से पढ़ लो, देखो काम आ रहा है कि नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी काम आया, यहां पे भी कंपाउंड में भी जो आईपीस था कैसे बिहेव कर रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में भी जो आईपीस कैसे बिहेव कर रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो इसने क्या किया, इसने बड़ा काम कर दिया, बड़ा काम था वहां से रेस कलेक्ट करना ढेर सारी, और उसकी एक इमेज बना के दे दी। दिक्कत क्या है, जो इमेज बनी वो डिमिनिश्ड इमेज बनाई,
जो इमेज बनी वो कैसी है, डिमिनिश्ड इमेज बनी है, तो उसी इमेज को इसने क्या किया, मैग्नीफाई कर दिया। इससे ज्यादा मैग्नीफाइड नहीं है, ये भी मत सोचो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी है, बस इससे थोड़ा बड़ा कर दिया। छोटी सी इमेज ऐसे बननी दिख ही नहीं रही है, फोकस पे कैसी इमेज बनती है, फोकल प्लेन पे कैसी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड, तो थोड़ा उसको बड़ा कर दिया। थोड़ी लेबलिंग वगैरह कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, लेबलिंग वगैरह करते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर होगा, तो इसको एफ ओ लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, मेरे ख्याल से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसके लिए, आई पीस के लिए, दिस इज ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, इसके लिए क्या है ये, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहला वाला जो इमेज है वो कहां बन रहा है, फोकल प्लेन नहीं बन रहा है, फोकस पे फोकस पे, ठीक है। और दूसरी वाली इमेज तो कहीं पीछे बन रही है ना, बिहेविंग लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब बात आती है मैग्निफिकेशन अल्फा और बीटा की। अल्फा था कि चांद जो सीधा एंगल आंख पे बना रहा है वो अल्फा था, कि बिना टेलीस्कोप के इसे खड़े होगा कितना एंगल बना रहा है, तो यार बिना टेलीस्कोप के ये एंगल बना रहा है, सर ये तो लेंस पे बना, अरे आंख सोच लो यहीं से देख रहे हो, इसी लेंस के आगे खड़े हो गए तुम बिना टेलीस्कोप के, ये टेलीस्कोप था, टेलीस्कोप पीछे रख के उसी के आगे खड़े हो गए थे, चांद को देख रहे हो अब, ठीक है। तो आपने टेलीस्कोप लिया, ये पूरा टेलीस्कोप है ना, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव, एक पहले टेलीस्कोप समझा दे एक बार फिर से, फिर बताते हैं कहानी। एक बड़ा ऑब्जेक्टिव, छोटा आईपीस, आईपीस बहुत छोटा नहीं है, इसके कंपैरिजन में छोटा है। ऑब्जेक्टिव कहां है, खूब डेसाई रेस कलेक्ट करो, रेस कहां से आ रही है, इंफिनिटी से, इंफिनिटी की रेस कहां मिलती है, फोकल प्लेन पे। कैसी इमेज बन गई, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, एक्चुअल में हाईली डिमिनिश्ड होती है, बहुत छोटी इमेज होगी। अब इस इमेज को बड़ा करना है, वो काम करेगा आईपीस, आईपीस के लिए इमेज कहां लाई करेगी, आईपीस के लिए पहली बात तो ये इमेज लेते हैं, आईपीस के लिए पहली बात तो ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये कहां लाई करेगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इट्स फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में क्या बन जाएगा, ये सिंपल माइक्रोस्कोप वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज, एक इमेज एक रे पास की ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे पैरेलल लगे प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके फोकस से पास की, दोनों डाइवर्जिंग थी, आगे कहीं नहीं मिली, पीछे प्रोड्यूस किया यहां मिली। अब बात करते हैं अल्फा और बीटा की। अल्फा एंगल होता है बिना माइक्रोस्कोप के या बिना टेलीस्कोप के, तो टेलीस्कोप को रखो पीछे, उसके आगे खड़े हो जाओ, ऐसे चांद को देख लो। तो हमने टेलीस्कोप को रखा पीछे, इसके आगे खड़े हो गए, लो लोग भी खड़े हो गए आगे, यहाँ अपनी आंखें ले लो, खूबसूरत सी नैनारी, ये हम आंखें लेके आ गए अपनी, तो ये एंगल हो गया अल्फा, ठीक है। अरे ये विदाउट टेलीस्कोप ही तो हो गया, कई बच्चे कह रहे हैं सर आपने तो कॉन्वेक्स लेंस पे ये एंगल बना लिया, अरे हम टेलीस्कोप हटा दिए, अपनी आंखों से भी देखोगे तो ऐसी तो देखोगे, पैरेलल रेज तब भी तो आएगी, सो दिस एंगल इज डेफिनेटली एंगल अल्फा। तो एंगल अल्फा को इस तरफ कॉपी करो, ये एंगल अल्फा इधर साफ साफ दिखेगा, ठीक है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये अल्फा एंगल हो गया। और बीटा क्या होता है, एंगल फॉर्म बाई फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज को आप यहाँ से देख रहे हो गए विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, वापस टेलीस्कोप को सामने रख दिया, पीछे लेंस के पीछे देखने लगे, सो दिस इज द एंगल फॉर्म बाई फाइनल इमेज, दिस इज बीटा। नाउ वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, देन वी हैव टू फाइंड मैग्नीफाइंग, क्लियर। बीटा जो फाइनल इमेज एंगल बना रही है, अल्फा जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है। चलो निकालने की कोशिश करते हैं अल्फा एंड बीटा को। सबसे पहले अल्फा निकालने के लिए वी विल फाइंड टैन अल्फा। बस जो टैन अल्फा की वैल्यू यहां से तो निकल नहीं सकती, इस तरफ से निकल सकती है, यहां से देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा एक चीज और सुनो, अल्फा एंगल बहुत छोटा होगा क्यों छोटा होगा, अल्फा बीटा दोनों छोटे एंगल है, क्यों, क्योंकि ये बहुत डिमिनिश इमेज है। बहुत सी बातें बता रहे हो, मैं कह रहा हूं कि टैन अल्फा को आप करीब करीब अल्फा कह सकते हो। ये सब चीजें मैथ्स में कब ट्रू होती है, जब एंगल बहुत छोटा होता है, व्हेन एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल देन टैन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। और एंगल क्यों छोटा है, क्योंकि यार ये इमेज बहुत छोटी है। अरे मेरे भाई ये इमेज बहुत छोटी है, ये अब समझे, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, बहुत छोटे एंगल है। When object is at infinity, image is formed at focus, real, inverted and highly diminished, वो तो इसमें दिख रहा बड़ा, असल में तो बहुत छोटी इमेज बनी है, highly diminished इमेज है ना, highly diminished, ये देखो ये एंगल अल्फा बन रहा छोटा सा। और एंगल बहुत छोटा होता है तब tan theta is nearly equal to theta, यहां से tan theta की वैल्यू बोलो perpendicular upon base, परपेंडिकुलर कितना हो गया ए डैश बी डैश, बेस कितना हो गया एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से टैन बीटा की बात करें तो मैंने बोला बीटा भी बहुत छोटा एंगल है, सेम रीजन
कि ये बहुत छोटा होगा. tan beta is nearly equal to beta which will be perpendicular upon base. perpendicular फिर से a dash b dash, base कितना हो जाएगा ub. magnifying power m is equals to beta upon alpha. beta की जगह a dash b dash बटे ue, alpha की जगह a dash b dash बटे fo. यहां से magnifying power का formula आ जाता है fo बटे ue. अब कई किताब में इसके आगे माइनस लगा होता है. माइनस इसलिए लगा होता है क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है. मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं, मैं मैग्नीफाइंग पावर बता रहा हूं. मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, ये बात आप दिमाग में याद रखो. कई किताब में और कई लोग इसको माइनस लगा के बताते हैं, बता सकते हैं आपकी मर्जी है. माइनस लगाओगे तो बीच बीच लगती है क्योंकि फाइनल इमेज देखो इन्वर्टेड बनी है ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में, तो माइनस लगाते हैं. एक्चुअल टेलीस्कोप में क्या होता है, इसके बाद एक लेंस और लगा देता है जो इसको फिर से सीधा करता है. सो फाइनली हमें सीधे इमेज दिख जाती है, बट हमें तो बेसिक कंसेप्ट समझना था. एफ ओ बाई यू ए इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई a refracting telescope also known as astronomical telescope. अभी इसमें दो केसेस बनेंगे, केस वन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, केस टू फॉर रिलैक्स आई, वो भी बात करते हैं. इतना नोट करें पहले, डायग्राम बनाए इतना नोट करें, फिर केस वन केस टू की बात करते हैं. बना लिया, पॉज करके नोट करें. नोट कर लिया, चलिए चलिए बेटा रे. अब हम बात करेंगे केस वन एंड केस टू. आईपीस कैसे बिहेव कर रहा, लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप. ये बात पकड़ लिए तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे. केस वन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन. तो बच्चों मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता है, जब फाइनल इमेज कहां बना दें, 25 सेंटीमीटर पे. क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट हमें सबसे बड़ा दिखाई पड़ता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. माइक्रोस्कोप के लेक्चर में डिस्कस किया था बढ़िया से. यानी फाइनल इमेज कौन बनाएगा, आईपीस बाई आईपीस एट डी. फाइनल इमेज डी पे बन जाए, कैपिटल डी क्या होता है, 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. यानी आप बोल दोगे v is equals to minus d, u is equals to minus ue and f is equals to plus fe for eyepiece. eyepiece के लिए इमेज डिस्टेंस ये हो जाएगा माइनस डी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ue और फोकल लेंथ इज प्लस fe. भाई इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो ये डिस्टेंसेस सारे नेगेटिव हो जाएंगे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, तो माइनस ue माइनस ue. यहां से आप फॉर्मूला लगाओगे 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u, 1 by fe is equals to minus 1 by d minus 1 by u की जगह minus ue. बोले सब आ रहा है, यहां से minus minus हो गया, plus 1 by ue इसको इस तरफ ले आओ is equals to 1 by fe plus 1 by d. थोड़ा समझ ले, आराम से समझे क्या हुआ, ये प्लस हो जाएगा, ये इधर लाए प्लस हो गया. फाइनली मैग्नीफाइंग पावर वाज fo by ue. यहां से 1 by ue की वैल्यू पुट कर दो, 1 by ue की वैल्यू पुट कर दो, क्या आई 1 by fe plus 1 by d. बोलो भाई आया, मैंने बताया कि फाइनल इमेज कहां बनती है, d पे बनती है मैक्सिमम. तो v को माइनस d, u को माइनस e, f को fe रखा, फिर मैंने 1 by ue, 1 by ue की वैल्यू. यहां से क्या करो, fe को बाहर ले लो, fe को बाहर कॉमन ले लो, तो fo upon fe. यहां से fe कॉमन ले लिया, 1 बचेगा, यहां तो fe था ही नहीं सर, कॉमन कैसे लिया आपने, ऊपर fe से मल्टीप्लाई कर दो. ये इंसान दाढ़ी वाला बोल क्या रहा, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा. कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करो, सब समझ जाओगे. fe को जरा अंदर ले जाओ, fe को अंदर ले जाओ, 1 by fe, मैं यहां fe fe कैंसिल, 1 by d आ रहा है. दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज एट d. मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यही है, कई बार इसमें माइनस लगा होता है कई किताब में, तो उनकी बात भी सही है क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है. बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है. इस एफी को अंदर भेज के देख लो, 1 by fe, fe fe मर गया, 1 by d, fo by fe, 1 by fe upon d, सॉरी fo by fe ब्रैकेट 1 plus fe by d. देखो मेन फॉर्मूला तो ये होता है fo by u, ये याद रखो आप. और ये आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से अब तक याद हो गया होगा, जब फाइनल इमेज डी पे बनती है तो 1 by u, 1 by f plus 1 by d आता है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सब में यही बात हुई थी.
कि 1 by u की वैल्यू 1 by fe plus 1 by d आती है इस केस में, और रिलैक्स डाई के केस में फोकल लेंथ के बराबर। और इसमें हम क्या होता है, इसमें एक दिक्कत होती है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, क्या स्ट्रेन डाई की मैग्नीफिकेशन तो बढ़िया मिला है पर आंखों पे बड़ा स्ट्रेन पड़ रहा है साहब, 25 सेंटीमीटर पे लाके कोई चीज रखोगे ऐसे घूर के देखना पड़ रहा है, आंखों पे बड़ा दर्द हो रहा है। तो आंखों का दर्द हटाएंगे, अगला केस लेंगे। यहां पे क्लियर है, f / f 1 + f / d। चलो केस नंबर 2, केस नंबर टू रिलैक्स डाई, ठीक है, कि स्ट्रेन ना हो, या इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। जनरली हम इसी तरह से देखते हैं टेलीस्कोप को, मतलब इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं थ्रू टेलीस्कोप, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स डाई में फाइनल इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पे, हमको इंफिनिटी की चीज बड़े आसानी से दिखती है, तो फाइनल इमेज जो बनेगी ये इंफिनिटी पे कहीं बनेगी, यानी u तो अभी भी माइनस यू ई के बराबर है, v अब कौन बनाएगा फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, कौन बनाएगा, बाई आई पीस, ठीक है, और फोकल लेंथ अभी भी प्लस एफ ई के बराबर। आप 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू चाहो तो लगा दो, यू की वैल्यू एफ ई के बराबर आ जाएगी, 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू 1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई क्या ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, बिल्कुल नहीं, ये मिनिमम मैग्निफिकेशन है, ये भी समझो एक ऐसा मैग्निफिकेशन है, मिनिमम मैग्निफिकेशन है, फिर भी ये बेटर है। बेटर क्यों है, आंखों को आराम है, मैक्सिमम चाहिए तो फिर आंखों को दिक्कत देनी पड़ेगी, 25 सेंटीमीटर पर देखना पड़ेगा। सो जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन है, इट लाइज फ्रॉम एफ ओ बाई एफ ई टू एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, नोट करें। एक चीज और आती है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो बच्चों लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला देखो, देखो लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ये जो डिस्टेंस होता है इसको लेंथ बोलते हैं। तो यहां से देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये प्लस ये, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे मॉड लगा लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस पे मॉड लगा लो। मॉड इस लगा रहे हैं कोई गधा बीच में, इसको नेगेटिव ना मान ले, जैसे कोई कहता है कि u की वैल्यू नेगेटिव, वैसे तो हम ऐसा लेते हैं u की पॉजिटिव ही हो, है ना, हम u को नेगेटिव मानते हैं, u को तो हम पॉजिटिव, फिर भी मतलब इसका मॉड ऐड कर दो तो क्या मिल जाए, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एफ ओ प्लस एफ ई बन जाएगी, यू ही देखो एफ ई के बराबर है इस केस में, केस टू में यू ही किसके बराबर है, एफ ई के, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है, लिख दो चाहो तो यहां, तो कि इस पर्टिकुलर केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज एफ ओ बाई एफ ई। सर ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, केस वन केस टू, केस टू जनरली इसी तरह से देखते हैं। तो जनरली अगर आप बहुत मतलब किसी बढ़िया आप सोसाइटी में बैठे हो जहां बढ़िया एकदम साइंस वाली बातें हो रही हैं, तो हो सकता है सीधा आपसे कहें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज एफ ओ प्लस एफ ई, वही सब बताएं ना, यू यू सब खा जाएंगे, मतलब जनरली लोग ऐसी बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, अदरवाइज एक पर्टिकुलर केस है तो आप समझ ही गए, मिटा रहे न्यूमेरिकल्स में आए, नोट कर लो, रिवाइज कर लो, न्यूमेरिकल इसके लिए आए हैं, आपको न्यूमेरिकल कराते हैं हम, इसके न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, तो न्यूमेरिकल इसका सबसे पहले उठाते हैं, आप इसको नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा रहे, चलिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल करते हैं। मैग्निफिकेशन इज एफ ओ बाई यू ई, क्या समरी लिखते हैं, चलो एक बार समरी लिख देते हैं ताकि आप फॉर्मूले याद रख सको। बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एफ ओ बाई यू ई, जिसमें दो केसेस बनेंगे, एक बनेगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का,
इस केस में फाइनल इमेज एट डी बनती है बच्चों। इस केस में आप देखते हो फाइनली 1 बाई यू किसके बराबर आ जाता है, 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी के, उसको यहां पुट कर दोगे सो मैग्निफिकेशन विल बी एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, प्रॉब्लम ये होती है कि स्ट्रेंड आई से देखना पड़ता है। दूसरा केस क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट, या उसी को हम बोल देते हैं रिलैक्स्ड आई। बच्चों उस केस में फाइनल इमेज कहां बनती है, शायद इंफिनिटी पे बनती है, तो फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। उस केस में बच्चों यूवी की वैल्यू सीधी सीधी एफ ई के बराबर हो जाती है, यूवी की जगह एफ ई रख दोगे मैग्निफिकेशन विल बी एफ ओ बाई एफ ई। एक डिसएडवांटेज इस केस का वो ये है कि मिनिमम मैग्निफिकेशन है। थोड़ा क्वेश्चन लगाते हैं, फॉर्मुला भी रट जाएगा, टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, डायग्राम बना मैं क्वेश्चन करोगे तो बढ़िया से होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन इज A refracting telescope is under normal adjustment. A refracting telescope is under normal adjustment. है ना, मतलब रिलैक्स आई से देख रहे हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड मैग्निफाइंग पावर इच Magnifying power is 5 if the length of telescope under this condition, उन्होंने कुछ बताया अभी देखो ब्रैकेट में, when final image is at infinity, खुद ही बता दिया इन्होंने, is 150 centimeter, find FO and FE. सवाल है find FO and FE, जरा try करो pause करके try करो, आसान सवाल, बहुत ही आसान है, तो find FO and FE, find FO and FE, तो ये वो केस है जब final image infinity भी बनती है। Find FO and FE. जल्दी से रे डायग्राम देखें, ये ऑब्जेक्टिव, ये कहीं आईपीस, ठीक है, पैरेलल रेज आएंगी, ऑब्जेक्टिव और ये आईपीस। ऑब्जेक्टिव इमेज कहां बनाएगा आपने, फोकस पे बनाएगा, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड, तो एक रे ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, एक रे और आई, दोनों रेज कैसे आएंगी पैरेलल, क्योंकि कहां से आ रही है इन्फिनिटी से। ये हम अज्यूम करेंगे कि जो भी रेज आ रही है इन्फिनिटी से, हमारे सिलेबस में बहुत दूर के ऑब्जेक्ट है। दोनों रेस कहां पे मिलेंगी, फोकल प्लेन पे, ये मिल गई, ठीक है, ये पहली इमेज बनी ए डैश बी डैश। फिर ये कैसा काम करेगा सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो फाइनल इमेज मान लेते हैं कहीं यहां बनी है, ठीक है, बनाने का तरीका बता रहा है, तो यहां से एक ले ले जाओ ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करानी है, ये पास की ऑप्टिकल सेंटर से, इसको पीछे इससे मिला दो, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे निकल गई, ठीक है, यहां तक तो हमने बना लिया। अब क्या बोल रहा है, मैग्नीफाइंग पावर 5 है, एक इंफॉर्मेशन ये दे रखी है, देखो डायग्राम इसलिए बना रहे हैं कंसेप्ट क्लियर होगा, मैग्नीफाइंग पावर 5 है, ये कितना होगा बच्चों, एफओ के बराबर हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकस पे तो इमेज बनी है, और फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है, ये इमेज इंफिनिटी पे है, ये डिस्टेंस इंफिनिटी है बच्चों, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी पे है, शायद कुछ पता पड़ा था हमने, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी पे मेरे ख्याल से UE FE के बराबर होगा, या शायद ऐसे पढ़ा था 1 by UE 1 by FE के बराबर था, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बराबर होगा, यानी पहली बात तो इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप FO plus FE लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, FO plus FE, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दे रखा है 150, तो 150 इज इक्वल्स टू FO plus FE, और शायद इस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला था FO by UE, इस केस में UE किसके इक्वल है FE के, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा इस केस का बच्चों FO by FE।
मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है 5, तो एफ ओ बाई एफ की जगह हम लिख देंगे 5। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हलवा सवाल हो जाएगा, कर लेंगे। यहां से एफ ओ किसके बराबर हो गया, एफ ओ इज इक्वल टू 5 FE को यहां पुट कर दो, 5 FE और FE कितना हो गया 6 FE, 5 FE प्लस FE कितना हो गया 6 FE इज इक्वल टू 150। यहां से FE की वैल्यू हो जाएगी 150/6, 6 × 6 = 30, 6 × 30 = 30, 25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 25, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 5 गुना ऑफ आई पीस, तो इसका 5 गुना कर लो 125, दोनों को जोड़ लो 150 आ रहा है, डिवाइड करके देख लो 5 आ रहा है, सही है, डिवाइड करके देखो 5 आ रहा है, जोड़ के देखो 150 आ रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, डायग्राम इसने बना रहा था, क्या हुआ कंसेप्ट बढ़िया रहे। चले अगले सवाल की तरफ, कोई डाउट इसमें, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी जब बनती है तो 1/UFE के बराबर या UFE के बराबर, UFE हो गया लेंथ हो गया FO + FE के बराबर, और मैग्निफिकेशन होता है FO/UE, UFE के बराबर FO/FE, FO/FE भी कटवा ही दिया था, एक इक्वेशन ये हो गई, मैग्निफिकेशन 5 है। अगला सवाल देखें, नोट कर लिया इसको, आसान था, बहुत ही आसान था, क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज 100 सेंटीमीटर, देख रहे ऑब्जेक्टिव कितना बड़ा बड़ा है, 125, 100, बहुत बड़ा है लाइट करेक्ट करने के लिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। एंड दैट ऑफ आईपीस इज 5 सेंटीमीटर, ये भी कोई छोटा नहीं है। If the final image, is formed at least distance of distinct vision, LDDV, ठीक है? Least distance of distinct vision, यानी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, find magnifying power and length of telescope. चलिए try करिए जरा, find magnifying power and length of telescope. कोशिश करें जरा खुद से, pause करके try करें. हो गया, डायग्राम बना लिया, डायग्राम जरूर बनाओ, चलो बड़ा ऑब्जेक्टिव ठीक है, छोटा आईपीस बहुत बढ़िया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस, पहली इमेज कहां बनेगी इसके फोकस पे, ये फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहां पे छोटू सी इमेज बना लो, एक रे ले आते हैं ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, एक पैरेलल लेके आए, पैरेलल रेज दोनों कहां मिलेगी फोकस पे, पहली इमेज बनी ए डैश बी डैश, अब क्या होगा फाइनल इमेज कहीं यहां बन जाएगी बड़ी सी, टक 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 भाई फाइनल इमेज इधर ही बनाओगे ना, तो यहां से पहले से इसको मिला लो, पैरेलल ले आइए इसके फोकस के पास, क्योंकि डाइवर्जिंग ठीक है, ये बन गई फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, ये किसके बराबर होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये किसके बराबर होगा यू ई के बराबर होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। इतनी बातें करने के बाद सवाल और पढ़ते हैं फिर से, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज 100 सेंटीमीटर, क्या बात है एफओ की वैल्यू पहले से पता है 100 सेंटीमीटर, and that of eyepiece is 5 cm, बहुत बढ़िया, eyepiece की focal length भी दे रखी है 5 cm, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत खूबसूरत भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, if the final image is formed at least distance of distinct vision, ये जो final image बनी है बच्चों यहां से देखोगे जो eye कहां होगी eyepiece के पास, इस तरफ थोड़े देखोगे, हां तो final image कहां बनी है d distance में, ठीक है, यानी ve किसके बराबर है d के बराबर है, final image is at d, find magnifying power and length of telescope,
फाइंड मैग्नीफाइंग बार एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। यार मैग्नीफाइंग बार तो तुरंत निकल आएगा, मैग्नीफाइंग बार में दिमाग ही नहीं लगाना। एफ ओ बाई यू ई फाइनल इमेज एट डी, फाइनल इमेज एट डी का अगर आपको याद हो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा, 1 बाई यू ई आ जाएगा 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी के बराबर। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बन जाएगा एफ ओ 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी के बराबर। इसको आप एफ ई को बाहर ले लोगे, एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी के बराबर। रख दो सब तो वैल्यू पता है यहाँ पे, एफ ओ की वैल्यू है 100, एफ ई की वैल्यू है 5, 100 बटे 5, 1 प्लस 5 बटे डी कितना होता है 25, खत्म। 24 लिख सकता है कोई, माइनस 24 ले सकता है, अपना अपना हिसाब है। ठीक है, बढ़िया, जो किताब होगी 24 ही लिखेगी। नहीं समझ में आया भाई, ये तो फॉर्मूला अपने पास गिवन था ना, फाइनल इमेज एट डी पे 1 बाय यू ए 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो एफ ओ वन एफ वन एफ सब वैल्यू तो गिवन है, ये तो आसान था। बात थी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालने में, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर सबको समझ में आ गया। एफ ओ बाई यू करते हैं भाई, 1 बाई यू का फॉर्मूला ये हो जाता है फाइनल इमेज एट डी। बात थी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप में, क्या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इस बार एफ ओ बाई एफ ई होगा भाई? इस बार ये फोकल लेंथ के बराबर कहाँ है यू ई, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी कहाँ है? इस बार ये होगा एफ ओ प्लस यू ई के बराबर। ठीक है, जनरली वही होता है, एफ ओ प्लस एफ ई लिख भी दिया जाता है किताबों में जनरली, बट एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है ना, डिपेंड करेगा ना केस पे, तो केस नंबर वन है, केस टू कहाँ है ये फाइनल इमेज एट डी, तो इसमें यू ई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यू ई की वैल्यू वहां से निकाल लो, यहां से यू ई की वैल्यू फाइंड कर लो इस पर्टिकुलर केस की, वहां से करनी है वहां से करो, वरना और तरीके से बताएं। नोट करो, पहले नोट कर लिया, जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला यूज करो, बिना इस फॉर्मूले के भी हम आपको पूरा सिखा सकते हैं आराम से। देखो देखो बच्चा, फाइनल इमेज कौन बनाता है आईपीस, तो फाइनल इमेज एट डी बाई आईपीस, चलो हम आईपीस में खेल सारा खेलते हैं। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, माइनस यू ई, देखो भाई इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। आईपीस के लिए इमेज कहां पे बन रही है, माइनस डी पीछे की तरफ, इसको माइनस 25 बोल दें। और आईपीस के लिए फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर प्लस 5। यहां से बच्चों फॉर्मूला लगा दो, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू, वही आंसर आएगा यू की वैल्यू। सो 1 बाई 5 1 बाई माइनस 25 माइनस 1 बाई माइनस यू, ये हो जाएगा प्लस 1 बाई यू, सो 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 25। ध्यान से देखो ये तो लिखा है 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, वही तो आया 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। यहां से एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 25, 5 बाई 25 ऊपर 5 आया, यहां 1 6 बटे 25, यहां से यू की वैल्यू हो जाएगी 25 बटे 6, तो कितनी हो जाएगी 6 4 जा 24 10 कोई गलती की हो तो बताना कमेंट में। सही, 1 by u, 1 by fe plus 1 by d, LCM हो गया 25, 5, 5 जा 25, ये हो जाएगा 5, even 5 or 6 by 25, 25 by 6, 6 4 is 24, 10, 6 is 6, 40, 6 is 36, 46. Clear है? तो ये था आपका refracting telescope. अब refracting telescope खत्म करते हैं, आते हैं दूसरे तरह पे reflecting telescope. नोट कर लें, तेज तो नहीं हो गया, समझ में आया है? अगर माइक्रोस्कोप का लेक्चर देख के आ रहे हो तो बहुत ही हल्का लगा होगा ये, कुछ नया नहीं था। फिर वहां तो आप पढ़ चुके थे ना, फाइनल इमेज एट डी में 1 बाई यू क्या होता है, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी, और फाइनल इमेज एट इंफिनिटी पे 1 बाई यू क्या होता है, 1 बाई एफ के बराबर। कुछ नहीं आया सर, तो रिपीट करो एक बार फिर से। हाँ तो ये बातें हुई, क्लियर है? टेंशन हो गई, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, कोई टेंशन की बात नहीं। देखो मैग्निफिकेशन क्या है, एफ ओ बाई यू,
ठीक है, जब फाइनल इमेज डी पे बने तो 1 बाई यू इक्वल हो जाएगा 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी के, और जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने तो 1 बाई यू विल बी इक्वल टू 1 बाई एफ ई, इतना याद रख लो बस। एफ ओ बाई यू, यू की वैल्यू कभी ये और यू की वैल्यू कभी ये, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप याद कर लो एफ ओ प्लस यू। आई थिंक इतने से तुम्हारा पूरा काम बन जाना चाहिए। इसके बाद भी मैं कहूंगा आपको रे डायग्राम और इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि बढ़िया सवाल आ जाएगा तो फिर फंस जाओगे फॉर्मूला लेकर, बढ़िया सवाल में आपका कंसेप्ट ही चलता है भाई। क्या पता दोनों लेंस को लेके कुछ सवाल मिक्स कर दे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, क्या पता लेंस फॉर्मूला लगाना पड़े, तो आपको आना चाहिए एफ ओ बाई यू फाइनल इमेज एट डी पे ये फॉर्मूला, 1 बाई यू इसके बराबर रख दो, इन्फिनिटी 1 बाई यू इसके बराबर और लेंथ इसके बराबर। अब यही यू एफ ई के बराबर होगा इस केस में, और इस केस में जो भी हम निकालना पड़ेगा, क्या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हमेशा एफ ओ प्लस एफ ई होता है, एफ ओ प्लस एफ ई होता है सिर्फ इस केस में। बहुत अब देखो प्रॉब्लम क्या है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के साथ, कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है देखो, इन अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप In a refracting telescope, to collect huge amount of light rays from distant object, by दूर दराज के object से बहुत ऐसा rays collect करनी है, distant object, the objective lens is made up of बताओ खुद से, लार्ज अपर्चर एंड लार्ज एफ, इन शॉर्ट बहुत बड़ा बनता है ऑब्जेक्टिव। क्यों बड़ा बनता है हम बता चुके, किस लिए भैया, ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट रेस कलेक्ट करनी है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, जिससे फाइनल इमेज की जो इंटेंसिटी हो वो बढ़िया बने, जो इन्वर्टेड इमेज बन रही थी उसकी इंटेंसिटी बढ़िया हो, फिर तभी तो उसकी दूसरी इमेज भी सही बनेगी, है ना। To collect huge amount of light rays from distant object, the objective lens is made of large aperture and large focus. अब इसका प्रॉब्लम क्या है? एक लार्ज लेंस बनाना जिसकी फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर हो, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। क्या क्या डिसएडवांटेज है? द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड with large objective lens are बहुत सी problem है। पहली बात, difficult to manufacture, इतना बड़ा lens manufacture करना बहुत difficult है। दूसरा, costly, बहुत महंगा है। तीसरा, difficult to hold it mechanically, उसको एक जगह पे hold करना बहुत tough है। कैसे? ऐसे थोड़ा ना लेंस को हाथ से पकड़ के बैठा हुआ है telescope के अंदर ऐसे। जो बड़ी-बड़ी laboratory में जो telescope है, भाई वो एक pipe के अंदर, मतलब देखा होगा आपने उसका एक पूरा उसका खांचा है, ढांचा है इसके अंदर है, थोड़ा ना हाथ में लेके बैठा है। तो उसको फिट करना ऐसे नट बोल्ट पे ऐसे फंसा के रखना इतने मोटे लेंस को बहुत मुश्किल है, मोटा और बड़ा लेंस। So it is very difficult to hold it. Difficult to be held mechanically. You know my English from Oxford. Very good. Yeah. So difficult to be held mechanically. चौथा problem सुनो, अभी खत्म नहीं हुई है। चौथा problem सुनो। इसमें आती है स्फेरिकल एब्रिएशन, यही का चीज है सर, स्फेरिकल एब्रिएशन। देखो ये क्या होता है कि हमें बता तो दे जाता है कि लेंस है, लेंस में रेज आती हैं और सब रेज पैरेलल होती हैं, तो कहां मिलती हैं, फोकस पे मिलती हैं, पर एक अजम्पशन बताया गया था, याद करो, द लेंस इज वेरी वेरी थिन, द अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, तब ये बातें ट्रू होती हैं, क्योंकि ऑल द रेज आर पैराएक्सियल, पैराएक्सियल याद है जो एक्सिस के पास हो। अगर ये लेंस बहुत थिन है
पतलू है और बहुत छोटू है, उस केस में इस पे जितनी भी रेज आएंगी सब एक्सिस के पास होंगी और सब एक ही जगह पे मिलेंगी जिसको हम बोलते हैं फोकस। पर यहाँ पे आप देखो ये लेंस बदल चुका है, बड़े अपर्चर का है, मोटा ताजा लेंस है, तो यहाँ पे क्या हुआ सारी रेज पैराएक्सियल नहीं होगी। इसीलिए हम लोग बार बार जितने भी क्वेश्चन करते थे, जितने भी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक चीज होती है सर, हाँ ठीक है, मतलब जितनी भी हमने बातें की थी हमेशा हमने कहा था कि लेंस पतला सा है छोटा सा है, हम सब बोलते थे आज लेंस बहुत बड़ा हो गया। प्रॉब्लम क्या है, अब जो पैराएक्सियल रे है वो तो चलो मान लो पैराएक्सियल रे है, वो मान लो फोकस पे मिल रही है यहाँ पे, पर जो इसको बोलते हैं पैराएक्सियल रे, बच्चों थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये क्या चीज होती है। स्फेरिकल एब्रिएशन एक प्रॉब्लम होती है लेंस के साथ, बड़े लेंस में ज्यादा होती है, मिरर्स में भी होती है, शेप पे डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के। जो पैराएक्सियल रेज हैं वो मान लो यहां जाके कन्वर्ज हो गई। एक होती है मार्जिनल रेज, मार्जिनल मतलब जो दूर से आ रही हूं, किससे दूर, ऑप्टिकल सेंटर से दूर से आ रही हूं लेंस के कोने पे। अब जो मार्जिनल रेज है ना उनका फोकस कुछ और होगा, उनका फोकस ये है, तो ये प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन, मतलब अलग अलग पैरेलल रेज अलग अलग जगह पे कन्वर्ज हो रही हैं। अब वहां से दो पैरेलल रेज थोड़ी ना आ रही, वो तो डायग्राम में हमने बनाया, बेवकूफ हो गया, अब तो डायग्राम में हमने दो रेज बना ली, असल में तो वहां से करोड़ों पैरेलल रेज आ रही, उसमें से 100-200 एक जगह पे मिली, दूसरी 100-200 दूसरी जगह पे मिली, अगली 100-200 दूसरी, भाई ऐसे बहुत सी रेज होंगी ना पैराएक्सियल, फिर से थोड़ी ज्यादा पैराएक्सियल, मतलब थोड़ी कम पैराएक्सियल, थोड़ी और कम पैराएक्सियल, थोड़ी मार्जिनल, इस तरह से बहुत सी रेज है, सब अपना अपना गुच्छा बना के आई है, कोई कहीं कन्वर्ज हो रहा, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। आप सोच सकते एक इमेज मिलेगी वहां ब्लर ढेर सारी इमेज बन के आ गई सामने, ड्यू टू स्फेरिकल एब्रिएशन, ड्यू टू शेप ऑफ लेंस। इसीलिए हम शुरू में बोलते थे लेंस शुड बी वेरी थिन, अपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल, अदरवाइज लेंस के पास एक फोकल लेंथ नहीं कई फोकल लेंथ हो जाती है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन ड्यू टू शेप होता है। कहां कहां होता है ये, लेंस में होता है और मिरर्स में होता है, दोनों में होता है, लेंस में भी है मिरर में। दूसरी प्रॉब्लम सुनो सर, पांचवी, हाँ पांचवी प्रॉब्लम सुनो, क्रोमेटिक एब्रिएशन। अब ये क्या भला है क्रोमेटिक एब्रिएशन, ये नोट कर लो फिर बताएं, नोट कर लिया, क्रोमेटिक एब्रिएशन। देखो अगर ये पूरा टॉपिक पढ़ाया अलग से स्फेरिकल क्रोमेटिक एब्रिएशन तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ा सुनो। क्रोमेटिक एब्रिएशन क्या है बच्चों, आपको ये पता है कि अलग अलग कलर ऑफ लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग नहीं अलग अलग, अलग अलग कलर ऑफ लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, यानी अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो अलग अलग कलर की बेंडिंग अलग अलग होगी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई, अलग अलग कलर है, जैसे मान लीजिए प्योर है वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर हो गए हमारे। आपको पता है इस तरफ जाते वक्त वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती है, वायलेट से रेड की तरफ जाते वक्त वेवलेंथ इंक्रीज करती है। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें बच्चों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/v स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है एफ लैम्डा, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा लिख सकते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ मीडियम एफ लैम्डा, एफ तो फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है। और आपको पता है जो फोकल लेंथ होती है दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस कितना कुछ बता रहा हूं मैं, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यानी फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ऐसे बोल दो इन शॉर्ट तो फोकल लेंथ लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, रेड की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा वायलेट की फोकल लेंथ सबसे कम होगी। तो अगर अलग अलग कलर की लाइट्स आएंगी यहां पे, अलग अलग कलर की यहां पे लाइट्स आएंगी तो फोकल लेंथ हमने क्या देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ गई थी, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, मान लो ये रेड कलर की लाइट आई ठीक है, तो रेड कलर की लाइट ऐसी ऊपर ही बनाते हैं, तो रेड कलर की लाइट की फोकस सबसे ज्यादा यहाँ, और मान लो वायलेट कलर भी आया, ये आया वायलेट में, वायलेट कलर की वेवलेंथ यहाँ,
बोलो आई बात। इस तरह से येलो की अलग फोकल लेंथ, इस तरह से हर कलर की अपनी अपनी फोकल लेंथ। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी हमने आपको बता दिया। इसका रीजन भी हमने आपको बता दिया। रीजन क्या है कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ, विब्योर की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, लैम्डा डिफरेंट है। लैम्डा डिफरेंट होने से क्या हो गया, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने से इनकी फोकल लेंथ डिफरेंट होगी। अलग अलग कलर ऑफ लाइट की अलग अलग वेवलेंथ, इस वजह से अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा बेंड होगा, जिसका कम वो कम बेंड होगा। तो कोई कलर ज्यादा बेंड हुआ, कोई कलर कम बेंड हुआ, समझ में आ गया? तो वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हो गया क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, और रेड सबसे ज्यादा है तो रेड की बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी। इस तरह से अलग अलग कलर की अलग अलग फोकस है। प्रॉब्लम क्या होगा इससे? क्रोमेटिक एबरेशन, कलरफुल इमेज बन के आ जाएगी। हैं, यहाँ पे रेड कलर का चंदा दिख रहा है, यहाँ पे वायलेट कलर का चंदा, येलो कलर का चंदा, ग्रीन कलर का चंदा, सारे चंदे आ गए। इधर चंदा दे दो अब दिवाली का, समझे? पर ये प्रॉब्लम सिर्फ लेंस में होगी। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना सिर्फ लेंस में होता है, ये प्रॉब्लम मिरर में नहीं होगी। हाँ भाई, ये प्रॉब्लम तभी आई जब लाइट का क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। अरे ये फिनोमेना आपने पहले पढ़ रखा होगा, इसको हम डिस्पर्शन बोलते थे, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर्स। वही तो है, व्हाइट लाइट स्प्लिट हो गई सेवन कलर में। प्रिज्म में होता था, लेंस में भी होता है। अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है लेंस की। कोई कम बेंड हुआ, कोई ज्यादा, वायलेट ज्यादा बेंड हुआ, रेड कम बेंड हुआ, है ना? तो बहुत सारी इमेज बन गई। बट ये चीज मिरर में कैसे हो सकती है? मिरर में तो रिफ्रैक्शन है ही नहीं, मिरर में तो बेंडिंग ऑफ लाइट है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ लेंस के साथ है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई विद रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और इसका सोल्यूशन है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। पहले जरा इतना नोट करें, फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की तरफ चलते हैं। टेंशन ना ले, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ डायग्राम है। नोट कर लिया? डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, कॉस्टली, डिफिकल्ट टू बी हेल्ड मैकेनिकली। स्फेरिकल एब्रेशन मैंने बता दिया कि जो मार्जिनल लेज है वो जल्दी कन्वर्ज की, जो पैराएक्सियल है वो दूर जाकर कन्वर्ज की। लेंस जैसे ही बड़ा हो जाता है वैसे ही अलग अलग रेज अलग अलग कन्वर्ज होती है। क्रोमेटिक एब्रेशन मैंने क्या बताया, अलग अलग कलर अलग अलग कन्वर्ज होते हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। पहले बना के देख लेते हैं, फिर उसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे इसके ऊपर। ठीक है, सवाल आ सकता है, बोर्ड में आ सकता है, जेई में तो नहीं मिलेगा। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से और कहीं कंपटीशन में भी आपको नहीं मिलने वाला, जो होना था कंपटीशन का पहले ही हो चुका है आज के लेक्चर में। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, इसके फायदे क्या है थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहले जरा हम लोग डायग्राम देखते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी आपको दो तरह के पढ़ने हैं। पहला आपको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो पढ़ना है फर्स्ट टाइप का, वो है कैसा गरेन टेलीस्कोप। इसको कई लोग कैसा गरेनियन बोलते हैं, कैसी गरेनियन बोलते हैं, बाकी आपकी अंग्रेजी अगर ऑक्सफर्ड की है तो आप कैसा गरेन समझ रहे होंगे। कैसा गरेन टेलीस्कोप पहला, दूसरा है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। अब हमने क्या किया कि जो ऑब्जेक्टिव से इतने ढेर सारे आपको नखरे थे कि ऑब्जेक्टिव बड़ा करने से बड़ी, अच्छा ऑब्जेक्टिव बड़ा करें कि ना करें, दिल तो कह रहा है करें क्योंकि रेस कलेक्ट करनी है। प्रॉब्लम क्या हो रही है ऑब्जेक्टिव बड़ा करने से? डिफिकल्ट टू हैंडल, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, और क्या है, कॉस्टली है, और क्या है, स्फेरिकल एब्रिएशन है, और क्या है, क्रोमेटिक एब्रिएशन है। तो उन सबको सॉल्व करने के लिए किया क्या गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय ऑब्जेक्टिव कॉनकेव पैराबोलाइडल मिरर। चलो इसको लिख लो फिर बनाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव लेंस हटा, बाकी सब सेम है, कंसेप्ट सेम है पूरा, बस ऑब्जेक्टिव लेंस को हटा दिया जिससे प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी जगह हम ले आए ऑब्जेक्टिव कॉनकेव पैराबोलाइडल मिरर। बना के दिखा रहे हैं पैराबोलिक टाइप का, जिसका शेप पैराबोलिक हो। देखो क्या होगा, हमने यहां पर हम बना ले रहे हैं, अभी आप तुरंत बनाना नहीं, ठीक है, क्योंकि बीच में हम एक छेद कर देंगे। हमने यहां पर एक पैराबोलिक कॉनकेव मिरर लिया है। क्या लिया हमने? पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर। पता है इससे
दो फायदे हो गए तुरंत तुरंत, बहुत से हुए हैं। देखो पहले बताते हैं पैराबोलाइडल से क्या होता है। पैराबोलाइडल मिरर में नो स्फेरिकल एब्रिएशन, ये ऐसे बनाए जाते हैं, देख लो हम बता रहे हैं सब चीजें, एक चैप्टर है स्फेरिकल एब्रिएशन, क्रोमेटिक एब्रिएशन वहां पढ़ाया जाता है। ये ऐसे शेप में होते हैं कि यहां कहीं से भी रेज आए, पैराएक्सियल हो, मार्जिनल हो, कोई भी रे हो, दे ऑल विल कन्वर्ज ऑन दी सेम पॉइंट। जो हम पढ़ते आ रहे थे इतने दिन से मिरर्स के लिए, वो चीज ट्रू होती है पैराबोलिक मिरर के लिए, जहां पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉलो करे। तो चाहे मार्जिनल रेज हो चाहे पैराएक्सियल, सब एक जगह यहां पे कन्वर्ज करेंगे। तो इसमें स्फेरिकल एब्रिएशन खत्म हो गई। और यार मिरर होते ही, मिरर होते ही देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रिएशन एज वेल। भाई कोई भी मिरर होगा क्रोमेटिक एब्रिएशन तो होगा नहीं, मिरर में लाइट की बेंडिंग थोड़ी ना होती है, रिफ्रैक्शन थोड़ी ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी ना आ रही है, तो अपने आप सारे कलर एक ही जगह मिलेंगे। और जो प्रॉब्लम थी कि पास वाली रेज जो है पैराएक्सियल है वो दूर मिल रही है, मार्जिनल पास में मिल रही है, वो खत्म हो गई बिकॉज ऑफ शेप। स्फेरिकल एब्रिएशन इज बिकॉज ऑफ शेप। बाकी क्या एडवांटेज अभी पढ़ेंगे। चलो क्या ये कैसा बिहेव करेगा अभी भी, दिस विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का पर्पस सेट करेगा, सर्व करेगा, इसको बड़ा बनाया जाता है, लार्ज होता है ये अभी भी। लार्ज किस लिए होता है, डेफिनेटली टू कलेक्ट ढेर सारी लाइट। अच्छा लाइट रेस कहां से आएंगी, वही चंदा मामा जुपिटर चाचा से है ना, मतलब इन्फिनिटी से अभी भी आ रही है। अच्छा इन्फिनिटी से कैसी रेस आएंगी, पैरेलल, पहले इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ये मान लो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। अच्छा यहां से एक छेद कर देंगे हम, ध्यान से हमने छेद भी कर दिया, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जैसी खींची हमने, हम ये पैरेलल ले लाए, कहां से आई इंफिनिटी से जहां चंदा मामा है। पैरेलल रेस कहां जाना चाहेंगी बच्चों, कॉनकेव मिरर पे टकराने के बाद इसके फोकस पे जाना चाहेंगी, हम डॉटेड बना रहे हैं, जा नहीं पाएंगी कुछ हो जाएगा बीच में, ये जाना चाहती हैं। दिस इज द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहां इमेज बनना चाहती है, बनेगी नहीं, बनेगी नहीं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव में दो मिरर होते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी, अभी एक लगेगा सेकेंडरी। ऑब्जेक्टिव में दो मिरर हैं, दिस इज आवर प्राइमरी, अभी एक लगेगा सेकेंडरी। देखो ध्यान से, अगर अगर ये रेज आती चांद चंदा से, पैरेलल रेज आती फोकस में मिलना चाहती थी, पर यहां पे हमने कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना, ये रेज आई लड़के कॉन्वेक्स मिरर पे टकराई, ये रेज भी आई पैरेलल लड़के पैरेलल, और ये भी लड़के क्या हुआ कॉन्वेक्स मिरर पे टकराई, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और ये फोकस तक पहुंच नहीं पाई। अब इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए, दिस इज आवर सेकेंडरी मिरर, कैसा है कॉन्वेक्स, ये भी ऑब्जेक्टिव का ही काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव की दो यूनिट है इस बार। अब ये क्या करेगा, इसके लिए जो यहां पे जो रेज जा रही थी, ये जो इमेज बनना चाह रही थी, वो इसके लिए क्या बन गई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना भाई, ये मिरर यहां इमेज बनाना चाहता है, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये इसकी इमेज कहीं इस तरफ बना, भाई ये रेज आई रिफ्लेक्ट होके गई, मान लो ऐसे रिफ्लेक्ट होके गई ऐसे, ठीक है, यहां पे हमने एक ओपनिंग लगा रखी है, यहां पे हमने एक आईपीस सेट कर रखा है, और यहां हमारी आंख है, यहां से हम देख रहे हैं, दिस इज आवर आईपीस। इसकी इमेज की इसने एक और इमेज बनाई, जिसकी इसने एक और इमेज बनाई, जो हमने बाहर से देख ली। इसमें बस आपको ये डायग्राम ही पकड़ के रखना है, याद रखना है कि इसमें एक पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर है, पैराबोलिक शेप से क्या है स्फेरिकल एब्रिएशन नहीं है, कैसी भी रेज आए एक ही जगह मिलना चाहेंगी, तो सभी रेज एक ही साथ रिफ्लेक्ट होकर यहां इमेज बनी। दूसरी चीज क्रोमेटिक एब्रिएशन नहीं है, मिरर में रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, तो कलर की बेंडिंग का सवाल ही नहीं। तीसरी चीज यहां पे दो ऑब्जेक्टिव है, एक कॉनकेव मिरर, एक सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर, और जो भी है वो यही है, ठीक है, आईपीस में एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो प्रॉब्लम जो थी मेन वो हमारी सॉल्व हो गई, एक लार्ज कॉन्वेक्स लेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से आप देखो इसके एडवांटेज, दो एडवांटेज तो दिखी गए आपको, कोई स्फेरिकल एब्रेशन नहीं है,
पैराबोलिक शेप की वजह से, क्रोमेटिक एविएशन नहीं क्योंकि रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तीसरी चीज बच्चों अगर आप देखो तो इसको मैन्युफैक्चर करना भी आसान है एज कम्पेयर टू लेंस। बाय लेंस में आपको इतने ही बड़े लेंस के लिए आपको दो सरफेस बनाने पड़ते हैं, सो इट इज इजी टू मैन्युफैक्चर। इसमें एक ही सरफेस से काम चल जाएगा। अच्छा, इसका मैकेनिकल सपोर्ट भी आसान होगा, मैकेनिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड दिखाई पड़ रहा है अभी दिख रहा इज लेस। अब मैकेनिकल सपोर्ट क्यों लेस रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसका वेट कम होगा। मान लो आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस होता जिसकी ऑप्टिकल जो क्वालिटी है, वर्ड यूज कर रहा हूं मैं एनसीईआरटी का, जिसकी जो ऑप्टिकल क्वालिटी है वो इसी मिरर के ऑप्टिकल क्वालिटी के बराबर होता, मतलब दोनों काम उतना ही कर रहे होते, दोनों में से भारी कौन ज्यादा होता, लेंस होता है ना, लेंस में पूरा पूरा ग्लास भरा हुआ है, यहां कुछ नहीं, मतलब पूरा ग्लास यहां कुछ नहीं, यहां एक सरफेस है, सो ये हैवी नहीं होता है ना, इट इज लेस हैवी, सो इसको आप मैकेनिकली इजी होल्ड कर सकते हो और लेस कॉस्टली भी होगा भाई, क्योंकि उतना ढेर सारे ग्लास की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप हैज टू मेनी एडवांटेजेस ओवर रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। भाई हल्का होगा, इसको आप आसानी से पकड़ सकते हो, ठीक है। ये तो था कैसेग्रेन टेलीस्कोप। अब आ रहा है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, इसको मिटाते हैं। इसमें अच्छा फॉर्मुला जो है सब सेम है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, जब डी पे होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तब एफ ओ बाई एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी सेम फॉर्मूला, और जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे देन एफ ओ बाई एफ ई। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है बट द फॉर्मूलेज आर सेम, सर इट्स फॉर्मूले नॉट एस। ओके बेटा रे नोट कर लो। चलो दूसरा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है दूसरा जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आपके सिलेबस में है दैट इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप पढ़ेगा रे बाबा। न्यूटोनियन टेलीस्कोप में क्या है, सारी कहानी सेम है। यहां पे एक ऑब्जेक्टिव कॉनकेव पैराबोलाइडल मिरर, क्या थक गया, हाँ, एक ऑब्जेक्टिव पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर रहेगा जो कि लार्ज है, वो चीज यहाँ पे भी है इसमें भी, ठीक है। न्यूटोनियन में एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंफिनिटी से रेज आ रही हैं चन्ना मामा से या जुपिटर चाचा से, ये पैरेलल रेज कहाँ जाना चाहेंगी, फोकस स्पेस के, डॉटेड रेज बना ली फोकस की तरफ, दिस इज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको आई डैश बोलते हैं, यहाँ इमेज बनना चाहती है। अब की बार यहाँ पे जो सेकेंडरी मिरर बनेगा, प्राइमरी तो सब यही है बाकी केस पूरा यही है, बस सेकेंडरी मिरर चेंज होगा बाकी कहानी सेम है। जो सेकेंडरी मिरर है वो कॉन्वेक्स की जगह एक प्लेन मिरर होगा, एंड दैट प्लेन मिरर इज नॉट केप्ट वर्टिकली इंस्टेड इट इज केप्ट एट इंक्लाइन एट 45 डिग्री, ऐसे वर्टिकली रख के इसको 45 डिग्री पे इंक्लाइन रखना है, ऐसे बोलो आया, वर्टिकली ना रख के 45 डिग्री पे, मित्रों इसको हम वर्टिकली ना रख के 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर देंगे, समझ में आया। ये हमने ले लिया एक प्लेन मिरर, सेकेंडरी मिरर इज अ प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो रेज जो रिफ्लेक्ट होके आई वो जाना चाहती थी यहां कहां, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे या फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर पे, यहां पे इमेज बनना चाहती थी, पर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होके इमेज कहीं और बनेगी, कहां बनेगी आप सीख चुके हो, प्लेन मिरर में जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, और कैसे देखना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होता है, ये तो हलवा खेल है आपके लिए, जितनी दूर ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट आप यार, यार पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे उतनी दूर इमेज बना दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, यहां कहीं मान लो फाइनल इमेज बन जाएगी, लेट अस से दिस इज द फाइनल इमेज, तो ये रे रिफ्लेक्ट होके यहां और ये रे भी रिफ्लेक्ट होके यहां, यहां लगा दो एक आईपीस, यहां से आप देख रहे
इसका सिर्फ रे डायग्राम है, ना ही कोई फॉर्मूला ना ही कोई डेरिवेशन। बोले समझ में आया क्या किया मैंने? पहले पैरेललाइज इंफिनिटी से आई, कहां जाना चाहती है फोकस पे, फिर एक प्लेन मिरर लगाया 45 डिग्री पे इंक्लाइन करके, ये रेज यहां लड़ी यहां लड़ी यहां नहीं जा पाई, अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है? जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इमेज, एंड दिस इज अगेन व्हाट आर आई पीस लेंस कॉन्वेक्स। ये रहा न्यूटोनियन टेलीस्कोप, डिफरेंस क्या है वहां कॉन्वेक्स मिरर यहां प्लेन मिरर, इसका कोई फॉर्मूला भी सिलेबस में नहीं है। तो यहां पे टेलीस्कोप का टॉपिक होता है समाप्त, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।